आज सबसे तो पहले आज वुमन डे, आप सब महिलाओं के मेरे तरफ से आपको शुभ शुभकामनाएं। और महिला दिन के दिन आज सभी महिला के दिन, ऐसे तो 365 दिन महिला के रहते हैं, मगर आज जो है विशेष महिला के दिन है, इसलिए मैं सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, सब महिलाओं को, माता को, बहनों को, सबको। नहीं, महिलाओं के लिए तो मैं लगभग 6-8-10 साल से, हर 2016 से लेकर 8-10 साल से मैं हर 8 तारीख को वुमन डे के दिन यहाँ पे मैं यही महिला प्रोग्राम में सबको पिक्चर दिखाता हूँ। और महिला जो कल की बात थी, कल तो होली का त्यौहार था, रंग बिरंगी दिन था, तो सब जब महिलाओं भी, मैं लगभग दूसरा साल है हर साल में महिलाओं के लिए खाली ओनली फॉर मुंबई, अपना उत्तर मुंबई कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस और उत्तर मुंबई कांग्रेस महिलाओं के दिन होली का प्रोग्राम रखते हैं विशेष तरीके। उसमें हमारे साथ में सहयोगी शीतल मात्रे, तिलोका मैडम, रश्मि मैडम, स्वीटी यादव और हमारी मात्रे मैडम, वो विजया लक्ष्मी, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। वो लोग काफ़ी, मैंने कहा लोग सुबह से इंजॉय कर रहे थे, सुबह 9 बजे से इंजॉय कर रहे थे और लगभग 4 बजे तक इंजॉय किए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले टाइम से वो पक्का रंग लगा के मैं नहीं आऊँगा, समझे कि नहीं। और ये ओनली फॉर महिलाओं के लिए है वो लोग, यानी होली का त्यौहार, इसलिए मैं हर साल रखता हूँ। तो जितने भी महिलाएं आना चाहती हैं सभी के लिए ये था या फिर कुछ लिमिटेड महिलाएं? नहीं नहीं, सभी के लिए। अभी आने वाले टाइम पे हम लोग प्रोग्राम बड़े स्तर पे करेंगे, कल भी ऐसा कुछ नहीं था, जितने भी उत्तर मुंबई, यानी कोई कांग्रेस में ऐसा नहीं है, सभी महिलाएं, यानी सभी महिलाएं, लड़कियाँ, सब लोग आके बहुत इंजॉय कर रही थी। ऐसा कोई छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई थी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि खाली ओनली फॉर अपना, मगर सब खाली ओनली फॉर महिला एंजॉय करती है। तो आपने राजी मूवी को ये क्यों चुना महिलाओं के लिए? राजी, देखो ये मूवी क्या, मैं हर टाइम जो भी मूवी दिखाता हूँ महिला के प्रेरित जो करते हुए वो पिक्चर दिखाता हूँ, तो राजी मूवी भी जो है यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड पिक्चर है और सबको मजा भी आएगा। और जो ये जो है ना, हमारे सब महिलाएं सब डिसाइड करते कौन सा देखने का, तो ये लोग ने आज ये रखा है राजी मूवी का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को महिला जागतिक दिवस पर हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। हम लोग हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष कालू बुदेलिया जी और उनका जो बुदेलिया फाउंडेशन है उनकी तरफ से 2016 से हम लोग लगभग ऐसी मूवी दिखा रहे हैं जो हर किसी औरत की एक जर्नी है, और हम लोग बायोग्राफी दिखाते, फिर वो निर्जा हो जो एक हेयर होस्टेज की स्टोरी थी, फिर आज ये राजी है जो एक भारत की एक लड़की थी जो अपने देश के लिए वो पाकिस्तान में कैसे जासूसी करती थी और उसको उसने अपने हमारे भारत देश के लिए उसने क्या बलिदान दिया, एक ऐसी स्टोरी है। और यही नहीं, कल हमने महिला होली सम्मेलन भी रखा और दिन भर दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो ही रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है कि जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। देखा जाए तो पहली महिलाओं को पेंशन योजना संजय गांधी निराधार योजना किसने दी? कांग्रेस ने दी। पहली हमारी इंडियन आइडल पंतप्रधान लेडी किसकी थी? इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस की थी। राष्ट्रपति भी हमने दी, लोकसभा स्पीकर भी हमने ही दी, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया और 9 साल में दूसरे सरकार ने हमको क्या दिया है। थोड़ा ही जिंदगी का थोड़ा एंजॉय करने का रहेगा तो यही है कि हम सब महिलाएं इकट्ठित हो जाते हैं। और यही नहीं कि महिलाओं को बुदेलिया फाउंडेशन की तरफ से स्वर्गीय इंदिरा गांधी मुफ्त स्वयं रोजगार योजना, जिसमें हम लोग 4 कोर्स फ्री सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग कोर्स, फिर केक और चॉकलेट कैसे बनाने का और मेहंदी का कोर्स, ये हमारे निरंतर उत्तर मुंबई के 6 विधानसभा में हमारे कोर्सेस चालू है और ये सभी इनकी देन है हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष कालू बुदेलिया जी का। तो मैं उनको बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहती हूँ और थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से कालू जी ने महिलाओं के लिए कल भी एक प्रोग्राम रखा और आज राजी मूवी रखी, तो किस तरह लगता है
सी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भाई ने चालू किया है वो है महिलाओं को एक सेफ स्पेस देने का। जैसे होली के कार्यक्रम हो, काफी लोग मतलब आप जानते हैं कि होली का कार्यक्रम में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा निकलती नहीं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं महसूस करती। तो कालू भाई का यही था कि 365 डेज जो महिलाएं घर संभालती है, काम करती है, उनको टेंशन फ्री एक सेफ स्पेस। तो जैसे हमने कल होली का सिर्फ महिलाओं के लिए रखा, कालू भाई जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, लेकिन ये सारी महिलाओं के इनविटेशन वाज ओपन टू ऑल। वी हम लोग ने गेम्स भी खेलाया, जैसे म्यूजिकल चेयर हो, लाइक जो बचपन याद दिलाता है, जो महिलाएं काफी बार भूल जाती है घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते, तो वो एक ऐसा महसूस चीज है उनको फील करानी थी जो हमने कर लिया है। और थैंक्स टू कालू भाई, उसी तरह हर साल आज मूवी है, वुमेन्स डे है, तो महिलाओं को सिर्फ महिलाओं के लिए मूवी रखते हैं, वो भी वुमेन सेंट्रिक मूवीज। जैसे राजी मूवी रखा है, लास्ट टाइम हमने गंगूबाई काठियावाड़ी देखा कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है, जिससे लोगों को महिलाओं को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। तो आई विल बी रियली थैंकफुल एज अ वुमेन, मैं बहुत थैंकफुल रहूंगी कालू भाई को कि आप ऐसी चीजें करते हो। तो वुमेन्स आज अगर आप देखोगे, कल भी देखोगे, तो सारी महिलाएं खुद बाहर आकर एक एंथुजियाज्म से बात कर रही थी, एंड दे वर बीइंग अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी, एक वुमेन जर्नी जो कहते हैं। तो कल और आज में हमने बहुत वो एक्सपीरियंस कर लिया। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूंगी, और आज वुमेन्स डे है तो किस तरह आप यहाँ पहुंचे और कितना अच्छा लग रहा है कि वुमेन्स डे पे इस तरह से मूवी देखने के लिए आपको इनवाइट किया गया? हाँ, एक्चुअली सबको हैप्पी वुमेन्स डे, और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कालू जी के तरफ से कल भी होली का फेस्टिवल था, एक बड़ा सा ग्राउंड था, उसमें हम लोग सब लेडीज लोग को इन्वाइट किया था। हमारा ग्रुप है तो जागृत ग्रुप करके, जागृति मैडम है, जागृति शाह, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। तो उसकी वजह से हम लोग नीलम सावंत करके उन्होंने हमारे मैडम को इनवाइट किया था, मैडम ने हमको सबको, हम लोग टोटल 35 लोग इनवाइट हुए थे और सबने एंजॉय किया अच्छी तरह से। और सुबह आना, नाश्ता, खाना पीना, एंजॉय करना, गेम्स था, गोला वाला था, बहुत मतलब बहुत एंजॉय किया, रेन डांस था, और कालू जी खुद भी आए थे, उन्होंने भी हमें साथ शेयर किया, और उनका हमको अच्छा लगा जो उन्होंने एकदम एज अ कॉमन पीपल हमसे साथ शेयर किया करके, और आज मूवी के लिए इनवाइट किया है तो मूवी देखने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली ये हर साल कर रहे हैं, हमें कल पता चला, तो नेक्स्ट ईयर भी हमको उनसे जुड़ेंगे, हमने उनको ऐसा प्रॉमिस किया है। आप क्या कहना चाहेंगी, वुमेन्स डे पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता ने ये ऑर्गेनाइज किया, मूवी दिखा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, कितनी खुशी है इस बात की, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट लग रहा है, कल से ही हम जुड़े हुए हैं तो वैसे कंटिन्यू है, आज भी वो उत्साह कंटिन्यू है, तो एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, तो वेरी हैप्पी। और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इन फ्यूचर भी हमें ऐसे ही इन्वाइट करते रहे और भी लोग जुड़े, सारे लेडीज़ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जुड़े। तो कालू जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो महिलाओं के लिए इस तरह से आगे बढ़कर बैक टू बैक प्रोग्राम ले रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं उनके वुमेंस डे सेलिब्रेशन को? हाँ, उनको तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी क्योंकि सब हम औरतें चाहती है घर से बाहर निकलना, कोई हमें पैम्पर करे, ऐसे मूवी दिखाए, और घर के लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो वैसे नहीं मिलता हमें, तो ऐसे मौका मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है एज अ वुमेन कि इतना हमें पैम्पर कर रहे हैं। कोई घर वाले तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन घर के बाहर जो अननोन लोग हैं वो भी इम्पोर्टेंस दे के लेडीज़ लोग को इकट्ठा करके इतना अच्छा फेस्टिवल कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है इस बार मुंबई में कांग्रेस आनी चाहिए? ऑफ कोर्स आनी चाहिए। कांग्रेस से क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को कैसे देखती है आप? बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो अच्छा लगता है उनके इंटरव्यूज में भी, वो हमको एंटरटेन करते हैं, मैं तो उनको एज ए एंटरटेनर ही देखती हूँ क्योंकि जब भी मैं उनका इंटरव्यू देखती हूँ तो बड़े भोलेपन से जवाब देते हैं, बच्चे जैसा उनका रहता है माइंडसेट, तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि हंसाते तो है कम से कम, कैसा भी टेंशन तो हमें लगा रहता है, इतना टेंशन रहता है, ज़्यादातर हम आसपास में ना लोग इसमें ही चलते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन से गिरे हुए रहते हैं, घर में भी फैमिली टेंशन होता है, तो उनका इंटरव्यू देख के बड़ा हंसी आ जाती है और मज़ा आता है। तो एज ए पीएम देखते हैं राहुल जी को? हाँ, होना चाहिए, ऑफ कोर्स ऐसे।